अपनी जिंदगी में हर एक इंसान एक जंग लड़ता है। ये जंग कभी कभी शब्द, कभी कभी निशब्द होती है, लेकिन ये निशब्द मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लेकर आया। इस पूरी दुनिया को अंदर से देखना जितना भयानक है, निशब्द के साथ जंग लड़ना भी उतना ही भयानक है। ये जो निशब्द है वो सिर्फ मेरी जिंदगी को ही नहीं, मेरे शरीर को जरिया बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक सिर्फ मैं ही निशब्द नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ये पूरी दुनिया ही निशब्द नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल चुका है। और मेरी जिंदगी में शब्दों के लिए कोई जगह ही नहीं है, लेकिन शब्द ही निशब्द बनके मुझे डरा रहे हैं। जब हम गर्व में होते हैं तो किस्मत के साथ लड़ना पड़ता है, और बाहर आने पर जिंदगी से, समाज में सर उठाकर जीने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। जिंदगी के हर मोड़ पर जंग ही जंग है। अभी निशब्द में जो जंग हो रही है उस अध्याय की ही कहानी है ये आकांक्षा। दीदी, पेंटिंग सुपर है। खाने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, चलें क्या? शान बढ़ाने वाले हमारे अरविंद कुमार ने भारत की ओर से पुरस्कार जीता है। इस बारे में बात करने से पहले आने वाले इलेक्शन में खुद के जिले से चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे, ऐसा उन्होंने फैसला किया है। पहले के खेल में जीत हासिल करने पर इनको घर गिफ्ट किया गया था, उससे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि इस बार उनको टिकट दिया जा रहा है। दोनों जंगल के शेर के साथ जंग लड़ते रहे और जंगल की लोमड़ी और भेड़ियों को फायदा होने लगा। जंगल में राज करने का मौका शेर को तो कभी मिला ही नहीं, क्यों अरविंद? राजा सिर्फ एक ही हो सकता है, ये जंगल का नियम है, और वो राजा मैं ही बन सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम राजा बनकर रहो और मुझे मंत्री बनकर रहने दो। देखो अरविंद, तुम्हारा 85% वोट है और मेरे पास 25% है। अगर हम दोनों का वोट डिवाइड हो गया तो हम दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। बीच की कोई लोमड़ी या भेड़िया इसका फायदा उठाकर चला जाएगा। इसके बजाय अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो आगे चलकर मैं तुम्हें पॉलिटिकली सपोर्ट करूंगा।
उसके बाद हम दोनों मिलकर साम्राज्य मजबूती से खड़ा करेंगे। तुम मुसीबत खड़ी करते हो और भरोसा करने को कहते हो। नो चांस। करेक्ट पॉइंट अरविंद। इसी वजह से तुम ऊंचाई पर पहुंचे हो, इसीलिए उस बारे में मैं तुम्हें ठंडे दिमाग से समझाने आया हूँ। और ये आओ बेटी, ये है मेरी प्यारी बेटी, नाम है श्रुति। हाय। हाय अंकल। ये हमारे घर का चिराग है और इस चिराग को मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा तो हमारा रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या कहते हो, सोच कर देखो। मान लिया। इतने सालों में पहली बार तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया है। अगर पिछली बार ये काम किया होता तो अभी तक पॉलिटिकल में 5 साल बिता दिए होते। इसका मतलब तुम्हें ऐतराज नहीं है? अरे यार, हमारे बीच जो कुछ भी था वो दुश्मनी की भावना नहीं, बस दिखावा था। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। जिसकी शादी होने वाली है वो मैं हूँ या आप दोनों? पहले आप अपने सुंदर से बेटे को मुझे दिखाइए, हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे, डेटिंग करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी मुझे पसंद आया है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और इर्द गिर्द फौज का सपोर्ट है, बहुत शक्तिशाली है वो, चेहरा देखते ही हाँ बोल दोगी। हाइट और वेट के बारे में तुम ना सोचो तो ही बेहतर है। साल में 2 बार लोरिया सुनाएगा, गारंटी है। पहले उसे मिलकर देखती हूँ, बाद में देखते हैं। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है बेटी। वो क्या है अंकल? वो खुद नहीं जानता कि वो बहुत बड़ा मिलीनियर है। बड़े सलाहकार की तरह अक्सर सलाह देता रहता है। मैं कहता हूँ कुछ भी करो लेकिन उसे अपने रंग में रंग लो बेटी। हाँ ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे रिजॉर्ट में बड़े ही धूमधाम से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो चुका है, अभी पेपर में पढ़ा मैंने। Everybody is happy? Everybody happy, sir. Payment time पर दे रहे हो ना सबको? हर महीने time पर दे रहा हूँ sir. Good. Resort में हर कोई खुश है sir. Very good. इस file पे sign कर दीजिए sir. वैसे resort का renovation कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है sir. कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, तब तक renovation का काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है sir. और हाँ, उस auditor को वहीं पर बुला लो। ठीक है sir. अरे अपना आदित्य कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। सर वो क्या है कि एक काम करो, उसको फोन करो और अर्जेंटली यहाँ बुला। ठीक है सर। ओके ओके जाओ। हेलो बेटा, कहाँ पर हो तुम? बेटा अर्जेंटली पापा तुमसे मिलना चाहते हैं बेटा। देखिए सीताराम जी, इस बार इलेक्शन में मैं खड़ा नहीं होने वाला। मेरा जिगरी दोस्त इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। मुझे जरा बिजनेस में ध्यान देना पड़ रहा है और वो जरूरी भी है। ओके सॉरी। हाय डैड, व्हाई डिड यू कॉल मी? अरे एक बात बताओ, आजकल मिलते ही नहीं हो, वेयर आर यू दीज डेज? आई से बॉडी के परफ्यूम को आंखों में लगाया जाए तो कैसा लगेगा? बेकार की बातें करना बंद करो, जरा जिंदगी सुधारो अपनी। डैड आप इस बंगले में बैठ के किसी को फंसाने के लिए ही नाटक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बस तुम्हारा इंसानियत का भाषण सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। अच्छा तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, जाकर उससे मिल लो, तुम्हें उससे शादी करनी है। डैड वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। अरे अभी उससे बात करके आया हूँ और तुमने कहाँ देख लिया उसे? आप मेरे लिए लड़की देख के आए हैं ना, मतलब आप अपना स्टेटस बचाना चाहते हैं। देखो आदित्य, मैं बाप होने की हैसियत से कह रहा हूँ, उस लड़की से जाकर मिल लो, उसी से तुम्हें शादी करनी होगी। सॉरी डैड। अपने पापा को फॉलो करो, गांधीवाद छोड़ दो। लग्जरी बिल्डिंग से आप बोर हो चुके हैं इसलिए आप मंत्री बनना चाहते हैं। एनीहाउ मैं उससे मिल लूंगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं शादी कर लूंगा। डैडी अभी तक आपका मास्टरपीस आया नहीं।
रुको बेटी, अभी टाइम नहीं हुआ है। तुम्हें जल्दी है तो क्या घड़ी की स्पीड बदल जाएगी? ठीक है, चलेगा। पागल लड़की। हेलो, कौन? हेलो अंकल, जिसे टाइम का सेंस नहीं है उस एंटीक पीस को हम किस गिनती में लेंगे? वो हमेशा टाइम पर ही पहुंच जाता है, तुम चिंता मत करो। अभी एक मिनट बाकी है। आपका बेटा तो बहुत फिट है अंकल, इतना हैंडसम और अच्छे दिल वाला लड़का अभी तक सिंगल है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। ओके बाय अंकल। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। हाय। लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। दो कोक। हेलो, क्या हुआ? अरे दो मिनट चुप बैठो ना, मुझे थोड़ा लाइन तो मारने दो। व्हाट? ऊपर वाले ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया होगा ना। भूख लगती है तो क्या खाते हो? वो क्यों? तुम इतने स्मार्ट लगते हो, हमारे बच्चे भी तो स्मार्ट होने चाहिए ना। फ्यूचर प्लान्स यार। कभी कभी स्पीड मौत के पास ले जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रही हूँ और तुम स्पीड और मौत की बातें कर रहे हो। चलो ठीक है, ये बताओ कि तुम क्या खाती हो? अगर हाँ कहोगे तो तुम्हें ही खा जाऊंगी। वैसे आपके पापा कह रहे थे कि आप हमेशा मूडी टाइप रहते हो और लो सोसाइटी के लोगों से मिलते जुलते रहते हो। वो लो सोसाइटी नहीं है, वर्किंग सोसाइटी है। बुलशिट, वो सब एक ही है। अब क्या तुमने कुछ कहा? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बातें कर रही हूँ क्या? बातें तो सभी करते हैं, लेकिन किसी की आंखों में खो जाना अलग बात है। वाह, ब्रह्मचारी जाल में फंस गया। ठीक है, बाय। ओके, दोबारा कब मिलेंगे? जब टाइम मिलेगा। अंकल यू आर राइट, डैडी आपका दामाद मिल गया। ओके ठीक है। हाँ आदित्य, क्या हुआ डैड? क्या तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है? लो सोसाइटी स्लम लोगों के पीछे तुम कैमरा लेकर बेवजह घूमते रहते हो, ये सब करके तुम्हें क्या खुशी मिलती है? डैड, आप भले ही एसी कमरे में बैठ के काम करते हो, आपके आगे पीछे 10 नौकर हूँ, आपको लगता है कि यही जिंदगी है, लेकिन ऐसी जिंदगी से खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ और मैं इस दुनिया को कैमरे से नहीं आंखों से देखता हूँ। देखो, मुझे तुम्हारा ये भाषण नहीं चाहिए। जिस लड़की से तुम मिलकर आए हो, उस लड़की से तुम्हें शादी करनी है, मैंने ये फैसला कर लिया है। डैड, मैं उस लड़की से बस आपके कहने पे मिलने गया था, शादी करने के लिए नहीं। आई एम सॉरी डैड।
धोखेबाज निकली। हर काम के लिए हमें बुलाती हो। लड़के से मिलने गई तो पूछा भी नहीं। अरे तुमने उसे बॉयफ्रेंड सिलेक्शन के लिए आया फालतू लड़का समझा है क्या? वो एक बिलेनियर का बेटा है। दिखने में कैसा है? वो सूरज का टुकड़ा है। बहुत गर्म है क्या? औरों को जला सकता है लेकिन मुझे तो ठंडक देगा। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। नेक्स्ट टाइम मिलूंगी ना तो मेजरमेंट टेप लेकर जाऊंगा। अरे पहले ही मीटिंग में तो इतनी पॉजिटिव हो गई। हाँ ऑफ कोर्स आई एम पॉजिटिव बिकॉज़ आई लव हिम। कितनी लड़कियों को उसने लहंगी होगी। नहीं वो उस टाइप का लड़का नहीं है, बहुत मासूम है वो। तो फिर मैं कोशिश करके देखती हूँ। उसकी तरफ जो भी देखेगा ना उसकी आंखें नोच लूंगी। ये सब हम नहीं जानते, हमें उससे मिलना है बस। ओके पर एक कंडीशन है। लेकिन भाई बोलने को मत कहना। हाँ ठीक है, ब्रदर कहकर बुलाओ। हाँ कौन है वो लड़की? क्यों मुझे बार बार उसकी याद आती है? आज से पहले मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़की से? हे हेलो हेलो स्टॉप। हाय कहाँ चले गए थे तुम? मतलब क्यों, शौक लग गया क्या तुमको? शौक देने के लिए ही तो आई हूँ यहाँ। ठीक है ये बताओ बात क्या है? क्यों इरिटेट करते हो, प्लीज मेरे साथ चलो ना। हे तुम पागल हो क्या? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? प्लीज सीरियसली तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मना मत करना। प्लीज चलो ना, प्लीज गाड़ी को साइड में खड़ा करो, प्लीज ना आ जाओ। कहाँ से इस पागल को मेरे बाप ने मेरे गले बांध लिया। ओके ओके तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? ये तो सच में सरप्राइज है। आकांक्षा हियर इज योर पोर्ट्रेट। ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? शी इज आकांक्षा, शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। तो ये आर्टिस्ट है? एक्चुअली मेरे रूम में थोड़ी लाइट कम है तो सोचा वहाँ पर तुम्हारी फोटो लगा दूं। ये तो खुद ही एक पेंटिंग है। जिस तरह से पेपर पे ये मेरी फोटो उतार रही है, काश कि ये अपने दिल में मुझे भी उतार ले। आकांक्षा, पूरा आसमान इसकी आंखों में भर है। आदित्य, ये मेरी लाइफ का एक पल है। लोगों को लाइव आर्ट्स चाहिए इसीलिए मेरे पास आते हैं, और वैसे ही आज आदित्य भी आया था। वैसे मैं एक ब्लू लाइव आर्टिस्ट हूँ। हेलो अंकल। क्यों बेटी, कैसी चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी? मैं आपके बेटे को एक लेवल ऊपर लेकर आई हूँ अंकल। ठीक है बेटी, उसे इतना बदल दो कि सभी लोग उसे एकदम पसंद करने लगे। आप चिंता मत कीजिए अंकल, एक बार वो श्रुति के करीब आ जाने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं चुनेगा। ओके बेटी थैंक यू, बाय। तुम्हें बॉयफ्रेंड क्या मिल गया? तुम तो अपने दोस्तों को भूल ही गई। हाँ क्या श्रू, कहाँ है वो? तुम तो उससे मिलवाने वाली थी। मिलवाती हूँ लेकिन कब? ठीक है तुम सब मेरे पीछे आओ। ओके क्या बात है, उसको इतनी जल्दी बेडरूम तक ले आई? यस, वो मेरे दिल के बिल्कुल करीब मेरे बेडरूम में रहेगा। ओके आर यू गाइज रेडी? यस। Wow, he's so hot. Hey, चल साइड हट ना। उसे फिल्म दिखाने के लिए बोल रहे हो और ये पोस्टर दिखा रही है, और तुम हो कि आंखें भर रही हो। वैसे इस हैंडसम से कब मिलवाने वाली हो? तुम उसे हैंडसम बोलकर मत बुलाओ वरना मारूं। वो सब हम नहीं जानते, हमें मिलना है बस।
ओके, कल वो मिलने के लिए पार्क में आएगा। वहाँ अगर किसी ने उसको लाइन मारने की कोशिश की तो तुम सबका सर काट कर वहीं पे गाड़ दूंगा। ओके। अरे वो तो भरत और अरविंद है ना। हाँ, दोनों के बीच में दुश्मनी थी ना। अरे अब वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, आपस में समधी बनने वाले हैं। क्या बात है, हमेशा दोनों आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन आज दोनों साथ में आ रहे हैं। ये सब देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। की तस्वीर की मैं पेंटिंग बना रही थी और वो मेरी तस्वीर को अपने दिल में उतार रहा था और इस बारे में मुझे अभी पता चला। हेलो राजकुमार, राजकुमार, हेलो हेलो हेलो, कहाँ खो गए हो आखिर तुम? मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं और तुम हो कि इस माया बाजार में फंसे हो। मैं किसी माया बाजार में नहीं हूँ, प्यार के बाजार में खो गए। अरे बस करो, मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? हेलो, मैं एक लड़की हूँ तो मुझे शर्माने का पूरा हक है। ओ, समझ गया समझ गया। सही कहा ना? हे हे इडियट। लोफर, आंखों पे पट्टी बांध के चल रहा है क्या? मैडम पट्टी बांध के नहीं रखी है, दवा डाल रखी है। थू, गंदी नाली के कीड़े। hey, क्या हो गया? तुझे खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं है क्या? ऐसी कौन सी फिल्म देख के आ रहा है जिससे तू इतना बिगड़ गया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है तू कभी सुधरेगा नहीं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे हम विलन है और ये हीरो, ये हमें मारेगा और हम मार खाएंगे। जंगली जानवरों को मारने के लिए हीरो की क्या जरूरत? चलो अक्षय कुमार का डायलॉग मत मार यहाँ, अपने काम से काम रख और निकल यहाँ से। शाहरुख खान का स्टाइल तेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई, अब सनी देओल की स्टाइल में समझाता हूँ। श्रुति,
अरे वाह। ए क्या हुआ, पागल हो गई हो माँ? जब आपका दामाद मेरे साथ हो ना तो मुझे शेर से भी डरने की जरूरत नहीं है। अरे वाह क्या बात है बेटी, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, एक मिनट। हेलो अंकल, आपने बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है। मुहूर्त? शादी, मंडप, हनीमून के लिए कहाँ भेजना है सब अभी के अभी फिक्स कर लीजिए। वेरी गुड बेटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें भी जल्दी से एक नाती चाहिए। आप चुप रहिए, ये पागल, पहले सगाई, उसके बाद शादी, उसके बाद हनीमून। श्रुति अब यही उसकी बीवी बनेगी। हर महीने की तरह इस महीने भी मैं फंड के लिए आश्रम गई थी और वहाँ पर मैंने आदित्य को देखा। आदित्य, जनवरी के बाद फरवरी आता है या नहीं नहीं पता, लेकिन तुम्हारा हर महीने यहाँ आना तय है। मुझे तो आना ही है मैडम, क्योंकि मेरे यहाँ आने से कई लोगों की मुझसे उम्मीदें जुड़ी हैं मैडम। एक आप ही हैं जो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रही हैं मैडम। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। सही कहा, मदद करने के लिए नेक दिल होना चाहिए। ये पैसे मेरे कमाए हुए नहीं है, ये पैसे मेरे पिताजी के, इसीलिए मैं खर्च कर रहा हूँ। वो भी तो तुम्हारा ही है ना? करेक्ट, मेरे ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मुझे उनकी जायदाद नहीं चाहिए। एनीवे, थैंक यू सो मच। ओके, बाद में मिलता हूँ मैडम, बाय। ओके बाय। हेलो, हाँ बोलो बोलो। आओ आकांक्षा, आओ बैठो। ओ, ही इज आदित्य, सन ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, द ग्रेट बिजनेस टाइकून। ही इज बोर्न विद ऑल द रिचेस इन द वर्ल्ड, बट ही इज स्टिल डाउन टू अर्थ। ये चेक उन्होंने ही दिया है आश्रम के लिए, ये लो। आश्रम में आदित्य ने भी पैसा लगाया है, ये बात मुझे उस दिन पता चली। उस दिन से उसके लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई थी। जरा सुनिए तो सही। हेलो। हे मेरे राजकुमार, कहाँ हैं आप और क्या कर रहे हैं? मंदिर में हूँ। मंदिर में? कौन से मंदिर में? देवी के मंदिर में हूँ। व्हाट? बाय। हेलो, घूमो घूमो, कितने दिन ऐसे घूमोगे? शादी के बाद मैं तुम्हें अपने पीछे घुमाती रहूंगी। वो तो किसी की पेंटिंग बना रही है, मैं अभी से कैसे प्रपोज करूं?
जरा प्रैक्टिस कर ले तो वही ठीक रहेगा। नहीं, जो भी होना हो आज हो जाए, आज तो मैं इसे प्रपोज करके ही रहूंगा। हाय, आपका नाम बहुत अच्छा है, आकांक्षा। मेरा नाम आदित्य है, मेरी माँ नहीं है लेकिन घर में पिताजी हैं, कैमरा ही मेरी जिंदगी है। आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं और आप भी काफी खूबसूरत हैं। आकांक्षा का मतलब ही होता है आसमान के सात रंगों को जो मिला के बनता है क्या, हाँ इंद्रधनुष। आपको देख के लगता है जैसे कि मैं अपनी आंखों से इंद्रधनुष देख रहा हूँ। वैसे मैं ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करता। आदित्य डर मत, सीधा बोल दे। सुनिए, वो क्या है, आप मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप डांटने के लिए पीछे मुड़ सकती हैं। देखिए, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जिंदगी आपके ही साथ बिताऊंगा। आकांक्षा, वेट। क्या हुआ जी? मैंने आपसे इतना कुछ कहा लेकिन आप है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही है, बल्कि मुझे अनसुना कर रही है। हे, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी आप ही के साथ बिताऊंगा। आई लव यू सो मच, आई लव यू आकांक्षा। देखिए, आप हाँ बोलिए या मना कर दीजिए लेकिन आपकी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आकांक्षा, जवाब तो दो। क्या भाई, वो लड़की बोल भी नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, हा? और आप उसकी बात सुनने के लिए तड़प रहे हो, क्या बात है? अरे श्रु, ये तो बता, तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस शादी का इंतजार है। तुम उससे जितनी जल्दी शादी करोगी उतना ही अच्छा रहेगा, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगी, याद रखना। अरे किसी और के साथ क्यों, हम में से कोई क्यों नहीं? उसको मैंने ऑलरेडी लॉक करके रखा है, अगर किसी ने उस पर नजर भी डाली तो मार डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, आदित्य मुझे प्रपोज कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी और मेरी जिंदगी का कोई संबंध नहीं है। मैं गूंगी हूँ, बहरी हूँ, ये सब जानने के बाद भी वो मुझसे प्यार करेगा क्या? बहरी लड़की को कोई और लड़का नहीं मिला जो मेरे प्यार को छीनने की कोशिश कर रही है, इडियट। मैं उस लड़की से पहले से प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच में तो तुम आई हो। ओ, अगर ये जन्मों जन्मों का प्यार है तो तुमने पहले अपना मुंह क्यों नहीं खोला? अच्छा, मेरे जैसे लड़के को तुम्हारी जैसी लड़की मिलेगी ये मुझे कैसे पता होगा? अभी पता चल गया ना, अभी से लव करना शुरू कर दो। देखो, मैं उसे प्यार करता हूँ। श्रुति, लिसन टू मी, मेरी लाइफस्टाइल में और तुम्हारी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, और अगर हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे तो हमारी जिंदगी दिखावे की होगी। जो भी घर में आएगा बोलेगा, वाह नाइस कपल, बहुत अच्छा है,
लेकिन इस तरह से जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज मुझे समझो। तो फिर मैं भी एनजीओ जाकर 10-20 रुपए के लिए भीख मांगूं और सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों की पेंटिंग बनाऊं और तुमसे दूर रहकर भी तुमसे प्यार करती रहूं और अपनी गाड़ी को छोड़कर नंगे पैर आऊं और तुम्हें जो पसंद है वैसे तुम्हारे इशारों पर नाचूं। देखो ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा और फिर तुम जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो, मेरे लिए खुद को बदलो नहीं। ओके तुम्हें भी सच्चा प्यार मिलेगा। ये पुरानी फिल्मों के डायलॉग मत मारो मुझे। बाय श्रुति। एक बात ध्यान से सुनो, मैंने बचपन से जो कुछ भी चाहा है मुझे मिला है। तुम मुझसे बचकर कितनी भी दूर जाओगे मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। Hey. अरे बाप रे, श्रुति आ गई, श्रुति आ गई। कहां से आ रही है सवारी? आओ बेटी, कैसी हो तुम और तुम्हारा रिश्ता? इसे क्या हो गया? आइए ना पूछते हैं। श्रुति क्या हुआ बेटी? क्या हो गया बेटी तुम्हें? माँ वो आदित्य कह रहा है कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ, वो किसी और लड़की से प्यार करता है। डैड मैं तो खामोश थी लेकिन आपने ये सब कर दिया। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, रो मत। हा? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझ पर भरोसा करो। रो मत। बाहर की सोसाइटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बात को काट सके, ये बात तुम्हें पता है, और फिर भी तुम मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो। तुम्हारी माँ नहीं है इस वजह से ये कर रहे हो। डैड मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या पूछना है? मैंने किस कॉलेज में पढ़ाई की है? देखो मैंने तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं की, इस बात को दोहराओ मत। आई वॉज बिजी। हर घर में बाप पैसा कमाता है और माँ घर संभालती है। आपने पैसे कमाए और इतने कमाए कि संभाल के रखना मुश्किल है, लेकिन पिता क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है, ये मैं नहीं जानता। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, आई एम नॉट अ सेंटिमेंटल फूल। मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ डैड, ये मेरे बचपन का फ्रस्ट्रेशन है डैड, आज वही बाहर निकल आया। एनीवे थैंक यू सो मच, फॉर द फर्स्ट टाइम आप मुझसे फ्री होके बात कर रहे हैं। देखो भरत को मैंने जबान दी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए उसकी बेटी से ही तुम्हारी शादी होगी, उससे तुम्हें शादी करनी होगी। डैड frankly speaking I don't want to be part of your business, meri apni khud ki zindagi hai, mujhe aapki property aur business mein koi dilchaspi nahi hai. Nahi hogi tumhe, lekin maine apni kadi mehnat se ise banaya hai aur main us sadak chhap ladki ko apne ghar ki bahu kabhi nahi banaunga. Dad Aditya ye meri izzat ka sawal hai, agar main apne bete ko control mein nahi rakh sakta to samaj mujh par hasega. Dad please aap apni izzat aur business ke liye meri zindagi daav par mat lagaiye. डैड मैं आपके साथ किसी वॉल क्लॉक की तरह नहीं रहना चाहता। इसका मतलब उस गूंगी लड़की से शादी करेगा, ये डिसाइड कर लिया है क्या? डैड आपकी नजरों में वो गूंगी हो सकती है लेकिन उसकी आंखों में मैं अपनी जिंदगी देख रहा हूँ। सेंटिमेंटल फूल, तुम्हारी माँ का फार्म हाउस है इसलिए इतना उछल रहे हो ना, बिना काम के भूख से जब खाने के लिए तड़पोगे ना तब तुम्हें मैं याद आऊंगा। मैं किसी की जायदाद के भरोसे नहीं हूँ डैड, मुझे कैसे जीना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गर्म खून की वजह से बोल रहे हो, जब वो ठंडा पड़ेगा तब समझ में आ जाएगा। डैड पता है जब भी मुझे कभी आप पे गुस्सा आता है तो मुझे माँ की एक बात याद आती है, वो कहती थी कुछ भी हो वो तुम्हारे डैड है। उनकी इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाया। एनीवे थैंक्स डैड। आदित्य मेरी जिंदगी में कदम रख चुका है, नहीं उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैंने सपने में जिसकी कल्पना की थी वो
वो आज मेरे सामने खड़ा था। ये पूरी धरती खुशी में बदलकर और हसीन मंडप बनकर और भरोसा मंगलसूत्र में बदलकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जुड़ गया। दीर्घ सुमंगली भवा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शीघ्रमेव संतान प्राप्ति अस्ति। देखो बेटा, ये बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती है। इसी वजह से इसके माता पिता ने इसे छोड़ दिया है। तब इसकी उम्र 2 साल की थी, तब से ये यहीं पल रही है। इस लड़की ने इस आश्रम में सबका दिल जीता है। अब से इसकी जिंदगी खुशी में बीते, इस आशा के साथ मैं तुम्हें इस बच्ची को सौंप रहा हूँ। इसे खुश रखना। सर, इसकी देखभाल मैं एक माँ की तरह करूंगा। ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। थैंक यू सर। मुझे खुशी हो रही है बेटा। सारे दुख इसी आश्रम में छोड़ दो बेटे। कल का सूरज तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आए। आते जाती रहना बेटी, हमें भूलना मत। खुशी खुशी जियो बेटी। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा, चल। ये घर मेरी माँ का है, ये मेरे लिए स्वर्ग है और इस स्वर्ग में स्वागत है तुम्हारा। इसका नाम लक्ष्मी है और ये लक्ष्मी का पति लक्ष्मण। ये मेरा पूरा घर और घर के आसपास के सारे बगीचे यही दोनों संभालते हैं। सुनो बेटी, इसे अपने दाएं पैर से गिरा के अंदर आओ। आप इसमें ऐसे रात मारना कि इससे बिखरने वाले दानों की तरह आदित्य का जीवन विस्तार हो। लक्ष्मण, ये मेरे जिंदगी की ऐश्वर्य है। लक्ष्मण, ये बोल और सुन नहीं पाती, लेकिन तुम लोग जो भी कहोगे उसको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेती है लिप रीडिंग करके। हमारे होते हुए इसको ये नहीं आता वो नहीं आता ऐसा मत बोलिए भाई, हम सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू। इतनी खुश लग रही है ना, यही खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पे देखना चाहता हूँ। आओ तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में मेरी माँ को आज तक इतना मिस नहीं किया, लेकिन आज ना जाने क्यों मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये हवा, ये प्रकृति मुझे हमेशा उनकी याद दिलाती है। आजा।
लगता है ये घर तुम्हें काफी पसंद आया है। ये घर नेचर से घिरा हुआ है। मेरी माँ ने इसे बहुत ही प्यार से बनवाया था, मेरे और मेरे भविष्य के लिए। तुम्हें पसंद है ना ये? थैंक यू। मैं माया बाजार में नहीं, प्रेम बाजार में फंस गया हूं। वाओ, नाइस कपल कहेंगे लोग, लेकिन मुझे झूठी जिंदगी नहीं जीनी। सुनिए सुनिए, हमारी श्रुति। क्या हुआ? चलो चलो। पल्लवी बात कर रही हूँ। श्रुति ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। क्या? तुम जल्दी से आ जाओ। आकांक्षा, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं जल्दी से जाके आता हूँ। हाँ, ओके, टेक केयर। आदित्य जी, इस हा? वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी आ जाऊंगा। सुनिए, अब दूध कहाँ ले जा रही हो रानी? तुझे पता नहीं है क्या मनहूस, आज हमारे मालिक की सुहाग रात है ना। इतनी जल्दी दूध लेकर जा रही हो, खराब हो गया तो? अबे कीड़े पड़े तुझे, टाइम देखना भी नहीं आता है क्या? अरे आदित्य जी, बिना टाइम देखे बाहर चले गए। सुहाग रात छोड़कर चले गए, ऐसा क्या हुआ होगा? अरे क्या हुआ होगा, किसी को परेशानी होगी इसलिए चले गए। अगर तुम कहो तो ये दूध खराब होने से पहले मैं पी लूँ क्या? ए, मुझे बहुत शर्म आती है ना। तुम्हारा हर बार का यही नाटक है, पहले शर्माती और फिर घबरा कर मेरे। मालकिन नहीं है। आदित्य जी जब भी किसी को तकलीफ में देखते हैं ना, तो बिना टाइम देखे निकल जाते हैं। आदित्य जी थोड़ा जल्दी आइएगा। आपने देख लिया ना बहन, ये हमेशा दूसरों की तकलीफ को अपना समझ लेते हैं। अरे बैठिए ना। ये आदित्य भैया ना हमेशा ऐसा ही करते हैं, बड़े ही दयालु हैं। मैं भी अनाथ थी, मुझे इन्होंने पढ़ा लिखा के पाल पोस के मेरी शादी भी करवा दी और मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है उन्होंने। और उनकी माँ इस घर की महालक्ष्मी थी। ये गांव ऐसा ही है, यहाँ बार बार बिजली चली जाती है। दो मिनट रुकिए, मैं जनरेटर चालू करके आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन है? अंदर जाइए, मैं देखकर आती हूँ कि क्या हुआ है।
मेरा क्या देख रहा है, चला के। ए मंजुनाथ सर, एक चाय लेके आओ। ओके सर। सर मैंने किया क्या है, मुझे अरेस्ट क्यों किया आपने? सर आई एम श्योर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कुछ नहीं किया सर, आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया है? सर सर आप बहुत गलत कर रहे हैं। मुंह बंद कर और बैठ जा। ये कॉपी याद है ना? इसे नोट कर लो सर। सर सर और इसे भी। ओके सर। सर आप मुझे बेवजह पुलिस स्टेशन में नहीं बिठा सकते। तुम इधर ध्यान दो। ओके सर। सब अपनी बदकिस्मती है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आपने मुझे यहाँ बिठा के क्यों रखा है? तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है सर, समझ। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलो रहने दो, छोड़ो।
सब क्या। सर आपने मुझे यहाँ बिठाया क्यों है? इस फाइल को कंप्लीट करो। सर सर। सो। बात है राजेश, बिरयानी में पीस कम हो गया तो वेटर को ही मार दिया, सही है क्या? क्या करता सर, बिरयानी में अगर पीस ही ना हो तो किस बात की बिरयानी सर, इसीलिए दो तमाचे जड़ दिए। तुम्हारा तुम्हारी जीभ पर जरा भी कंट्रोल नहीं। मैं भी आते समय बकरे का गोश्त खाकर आया हूँ, सुपर था। आपका क्या है सर, आप तो ये सब खाने में माहिर है। सर अगर आप दोनों का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। सर घर वापस जाते समय मुझे अपनी बीवी के लिए बिरयानी लेकर जाना है, सोने से पहले ये सब खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों बिठाया जा रहा है? जो सर का गोश्त मैंने खाया है वो मुझे बुला रहा है, तो जरा चुप कर। सर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे, मेरा जाना बहुत जरूरी है। Somebody's waiting for me, I have to go. Hey! तुम्हारे गले से जो आवाज निकल रही है वो मेरे कानों तक आ रही है, अगर मेरे कानों को सुनाई देगा तो मैं फिर पागल शेर की तरह चिल्लाने लगूंगा। hey, हीरो, चल साइन कर। मैं ऐसे कहीं साइन कैसे कर सकता हूँ? देख अगर तू साइन करेगा तो हमारा काम कम हो जाएगा, और हमारा काम अगर कम होगा तो तुझे अपने आप की लाठी मिल जाएगी। क्या उसे कहानी सुना रहे हो तुम? लाठी डंडा पट्टा सरकार ने हमें क्यों दे रखा है? थर्ड डिग्री एरोप्लेन टॉर्चर ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो बाद में हमें पगार लेने में शर्म नहीं आएगी। मेरा मुँह क्या देख रहे हो, जाओ। और ये आश्रम का एक बुरा सपना है। आ बेटा, नमस्ते सर।
देखो बहन, इसका नाम है निरंजन गौड़ा, ये हमारे आश्रम में योगा टीचर है। नमस्ते, नमस्ते। आपका स्वागत है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। निरंजन गौड़ा, तुम्हारी उम्र के लड़के इस काम को बहुत कम करते हैं। योगा के नाम पर बिजनेस करने वालों के बीच में हमारे आश्रम के बच्चों को तुम योगा सिखाने आए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बातें मत कीजिए सर, आपकी सेवा के सामने मेरी सेवा बहुत छोटी है। देखो निरंजन गौड़ा, यहाँ जो भी बच्चे हैं वो बिना माँ बाप के बेसहारा बच्चे हैं। उनके माँ बाप बनकर तुम उनकी देखभाल अच्छे से करना। यहाँ पे कोई भी बच्चा अनाथ नहीं है सर, अनाथों पे तो भगवान की विशेष कृपा होती है। हम आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे बेटा। अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब तो भगवान की इच्छा है। देखा निरंजन गौड़ा, ये बोल नहीं सकती है और ना ही सुन सकती है, लेकिन पेंटिंग्स बनाने में बहुत ही माहिर है। ओ, अच्छा। भगवान बहुत दयालु है, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। योगा के जरिए मुक्ति दिलाता है, ऐसा ही आश्रम के लोगों को सिखाया गया था। एकदम शांत रहना, और शांत रहने वाला ये नागेश गुड़ा एक दुष्ट राक्षस था। यहाँ पर पहले से ही तकलीफ झेल रही छोटी बच्चियों पर उसकी नीयत खराब हो गई थी। लड़कियां इसके खिलाफ बोलने से डरती थी। अगले दिन उसकी घिनौनी हरकतों को पूरे आश्रम के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उस राक्षस के हाथों में जंजीर पहनाई। नीच पापी, कैसा नीच काम किया है? तुम सिर्फ नाम के गुणी हो, इतना गंदा काम किया तुमने। तुम्हारे भरोसे पर इन अनाथ बच्चों को हवाले किया था, तुम्हें एक बाप की जगह दी थी, लेकिन तुमने डूब मरने वाला काम किया है। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। ए, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए। ये वो ब्लडी सेक्सुअल पावर्ट मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दुष्ट राक्षस कहीं का, चल अभी तेरी चमड़ी उधेड़ देता हूं। चारों ओर सन्नाटा, भीगी सी हवा, अंधेरी रात में चांद की रोशनी और एक अकेले घर में
बेबस सुंदर लड़की उसकी सुंदरता को हासिल करने वाला सर्वेश्वर हूँ मैं। मेरी भी तुम्हारे जैसी ही जिंदगी थी, चारों तरफ सन्नाटा, मौन से भरी जिंदगी, फूलों जैसी लड़कियों से घिरा रहता था, उनकी सुंदरता में डूबा रहता था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पुलिस की लाठी, उसके जूते की मार, याद है ये आंख, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने क्या सोचा, तुम्हें छोड़ दूंगा? सीता समझती हो खुद को? तुम्हारी स्वर्ग से जिंदगी को आज इसी वक्त समाधि बना दूंगा। घूर कर देखने वाले शेर को मैं नहीं छोड़ता, तो गली में घूमने वाले जानवर को कैसे छोड़ दूंगा? कृष्ण का चक्र अपने हाथों में रखे हुए हैं, ये कोई छोटी बात है क्या सर? मैं चुप हूं तो निशब्द हूं, कहीं बोल पड़ा तो युद्ध शुरू। मैं जरा राउंड पर जा रहा हूं। ठीक है सर। इसकी जरा अच्छे से खबर लेते रहो। सर इन दोनों केस में एक ही फोटो है ना सर? गुड इवनिंग सर। क्या बात है, इतना लेट कैसे हो? अब मैं क्या करूं सर, एमएलए जी के यहाँ ड्यूटी थी। ठीक है ठीक है, तुम्हारा रोज का यही ड्रामा है। अरे ये तो आदित्य है। सर नमस्ते। सर नमस्ते, कौन है? सर मैं बोल रहा हूँ सर, तरुण गोड़ा बात कर रहा हूँ सर। क्या बात है गोड़ा, इस समय? सर यहाँ आपके दामाद को लॉकअप में बंद करके मार रहे हैं सर। ऐसा कौन सा दामाद है जिसे मैं जानता हूँ? वही सर, श्रुति की जिसे शादी होने वाली है। ए, वो मेरा दामाद नहीं है, वो कहानी कब की खत्म हो चुकी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त फोन कर रहा है, दामाद भी बता रहा है।
कम से कम अब तो साइन कर दो। इसमें क्या लिखा है जो मैं साइन करूं? ए, साइन करने के लिए बोल रहा हूं तो चुपचाप साइन करने का। मुझे साइन करना ही क्यों है? इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप लोग मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? साइन करने के लिए बोला तो चुपचाप साइन कर। सर मुझे इस तरह से ए, ये कौन है तू जानता है? याद आया तुझे? मेरा भाई राजा, राजा की तरह देखभाल करता था। उसको तूने कोमा में पहुंचा दिया है ना? मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तू जब मेरे हाथ लग गया है तो तुझे जो नहीं देखना है वो सब दिखाकर तुझे यहां से जाने दूंगा। जीवन भर के लिए तू याद रखेगा। ए! अगर तेरे जैसे लोगों को जान से मार दिया तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बेइज्जती का सवाल है। ऑफिसर, उसे क्यों मार रहे हैं और उसकी गलती क्या है? कौन है तुम? आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। ए लड़की, तेरे खून में गर्मी ज्यादा है तो उछल मत, मुझे मेरी ड्यूटी करने दे। ड्यूटी के नाम पर किसी बेगुनाह को बंद करके उसे मारने का अधिकार नहीं आपके पास। कैसा अधिकार? रोड पर राजा की तरह घूमने वाले मेरे भाई को मार कर इसने कोमा स्टेज में पहुंचा दिया है। किसने अधिकार दिया इसे? इसको अरेस्ट करने का अधिकार मेरे पास नहीं है क्या? ऐसे गुंडों की तुम वकालत करने के लिए आई हो तो तुम कोई वकील हो? ऑफिसर, माइंड योर टंग। पहले तुम मुंह बंद करो। जैसे आई हो वैसे ही निकल जाओ, नहीं तो तुम एक औरत हो ये बात मैं भूल जाऊंगा। समझिल सर। क्या चल रहा है? अपने आप को समझ क्या रखा है? सर वो थर्ड क्लास गुंडा है सर। मुंह बंद करो अपना। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन अरविंद कुमार का बेटा है वो, और ये भरत कुमार की बेटी। क्या तुम्हें ये गुंडे दिखाई दे रहे हैं? सर यहाँ ड्यूटी पर एसआई कौन है बताओ मुझे? इस लड़के को छोड़ दो और तुम्हारा सस्पेंशन होगा गारंटेड। सॉरी सर। मार खाने के बाद भी तुम कम से कम अपने पापा का नाम ले सकते थे। मेरे सामने अगर मौत भी आ जाए ना तब भी मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मुझे उनसे चाहिए ही क्या था? उनका आशीर्वाद ही ना।
लेकिन उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी नहीं दिया, तो अब मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में इतनी जिद अच्छी नहीं। जिद तो केवल अहंकारियों को होती है, स्वाभिमानियों को नहीं। इसका मतलब है तुम प्रॉपर्टी और पैसों के लिए झुकने वाले नहीं हो। मैं बस प्यार के आगे झुकता हूँ। ये सब तो आज है और कल नहीं, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। इसीलिए तुम मुझे पसंद आए। ओके, आकांक्षा मेरा वेट कर रही होगी, मुझे उसके पास जाना है। ठीक है, तुम्हारा और टाइम नहीं लूंगी, नई जोड़ी है, भला मैं क्यों बीच में आऊं। तुम जा सकते हो, टेक केयर, बाय बाय। क्या कर रहे हो? मेरे घर में केबल नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ सीरियल देखने आया हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे ऐसे मत देखो, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। यहाँ क्यों आया? उससे पूछ, सब कुछ बताएगी। शेर की तरह आजाद घूमने वाला मैं, इसने मुझे जेल भिजवाया था। मुझे वो चाहिए, उस आश्रम की सभी लड़कियों को मैंने इस्तेमाल किया था। हाँ हाँ, वो लड़की मुझे वापस चाहिए। तो मुझे दिलाएगा ना? देखो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। जाओ। सुबह तुम हरी कथा सुनाओगे क्या? देख, तेरे से मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ से चला जाओ, कल मैं तुझसे बात करूंगा। इस सीता को बचाने के लिए राम आया है। धर्म संस्थापना सर्व संभवानी युगे युगे, ऐसा कहकर मेरा संहार करने आया हो क्या? राम के हाथों संहार होने के लिए जो यहाँ खड़ा है वो रावण नहीं है, नागेश गुणा है। उस भगवान ने तुम्हें बहरा बना के अच्छा किया, ये सब होने के बाद भी तुम क्या कर लोगी? बहुत जोर जोर से रोगी और क्या, जब से पैदा हुई हो रो ही रही हो, कम से कम एक बार हिम्मत दिखाओ। अब तुम्हारी लाइफ में आदित्य भी है,
इतने सालों से वो अपनी माँ की यादों में जी रहा था, अब तुम भी उस लिस्ट में ऐड हो जाओगी। फिर क्यों रो रही हो? उस दिन जैसे उसको मारा था वो हिम्मत कहाँ गई? अगर तुम एक बार ठान लो तो कुछ भी कर सकती हो। ऐसे नीच को तुम ही सबक सिखा सकती हो। जाओ उठो, जब तक खामोश रहोगी तब तक ये लोग नोचते ही रहेंगे। हिम्मत दिखाओ आकांक्षा, जाओ, इसको तुम्हें ही मारना होगा। जाओ। हाँ, मेरी आत्मा ने जो मुझसे कहा वो सच है। अगर मैंने हार मान ली तो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। उसके खिलाफ जंग लड़ूंगी मैं, और ये मैंने ठान लिया। अंदर के डर को छोड़कर मैं जंग के लिए तैयार हो गई थी, और अगर इस जंग में मैं मर भी गई तो आदित्य इसका सर्वनाश करेगा ये तय है। इसीलिए ये पेंटिंग बना रही हूँ। खेल खेल रही हो? अब तुम्हें अपना खेल दिखाता हूँ। हाँ।
Yeah.